वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कोई भी पाबंदी हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होगी। तो यहां देश और दुनिया के श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में आ सकते हैं। तो यहां सीएम ने कहा कि आवश्यक टेंट लगेंगे, शौचालय बनेंगे और सभी माँ मंडलेश्वर को जगह और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो यहाँ हरिद्वार महाकुंभ 2021 के तहत मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम रावत ने करीब 120 करोड़ की लागत की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। तो यहाँ सीएम रावत ने कुंभ में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होने और सभी को कुंभ स्नान के लिए आमंत्रित किए जाने की घोषणा की। बहरहाल इसी के साथ हरिद्वार के नीलधारा में गंगा किनारे शंकराचार्य नगर की विधिवत शुरुआत की गई। तो इस बीच कार्यक्रम में स्वामी अवमिक्तु शेश्वरनाथ सरस्वती महाराज समेत बड़ी संख्या में साधु संत और आईजी कुंभ संजय गुंजियाल भी शामिल हुए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।